पाकिस्तान में बनने वाले शॉर्ट फिल्म फ्रूट चाट जो यूट्यूब पे अपलोड हुई और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म बन गई। जिनके भी मोबाइल फोन्स या टैबलेट्स तक पहुंची, उन्होंने मुझे जाती तौर पे मैसेज करके बोला जरूर आपके हीरो की माँ ने फ्रूट चाट खाई आपके हाथ की। उर्दू पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट, मेरा नाम दानिश हुसैन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में बनने वाले शॉर्ट फिल्म फ्रूट चाट। फ्रूट चाट एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो यूट्यूब पे अपलोड हुई और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म बन गई और हमसाया मुल्क ने इसको ग्लोबली कॉन्टेंट के तौर पर एक्सेप्ट किया और साथ इसे अवार्ड भी मिला। इस मूवी में क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें कौन सा पैगाम है जो सीरियस पैगाम मज़ाही अंदाज में दिया गया, इसी पर आज हम बात करेंगे और फ्रूट चाट के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारे साथ होंगे। एक ऐसे माशरे में मूवी बनाना जहां ग्लैमर की दुनिया है और लोग ऐसी अट्रैक्शन पसंद करते हैं, वहां पर एक डिसेबल खातून हो, माजरत के साथ मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा हमारी सोसाइटी के लिए, और वो वहां पर जो करेक्टर है वो भी ऐसा ही अपना रही हो और वो फिर अवार्ड भी जीत जाए, ये कैसा अजीब सा तजाद है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने ये फिल्म बनाने का सोचा तो हमें लगा एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो इतना आगे जाएगा, लोगों को इतना भाएगा और लोग वापस आके कहेंगे कि खुदा का वास्ता चैनल पे कुछ और डालें, कुछ और अपलोड करें, हमें ऐसा और कंटेंट देखना है। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि इसका मतलब है कि मुआशरा अच्छी चीज़ देखना चाहता है। ये जो मीडिया हाउसेस का दावा होता है कि हम बनाते हैं ड्रामे क्योंकि सब देखना चाहते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तो ये फ्रूट चाट का कॉन्सेप्ट क्या था दरअसल? फ्रूट चाट टाइटल तो हमने बहुत बाद में इसका सोचा क्योंकि जब फिल्म बन रही थी तो उसमें जो कैरेक्टर्स थे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते थे, जो मेन लीड कैरेक्टर हैं शबाना, उनका अपना जो एक अंदाज़ है, उनकी माजूरी बिल्कुल है, लेकिन वो ग्रो कर रही हैं थ्रू आउट द फिल्म, तो उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स, बहुत सारे रंग, बहुत सारे अंदाज हमें नज़र आए इस शॉर्ट फिल्म में, इसलिए हमने इसका नाम फ्रूट चाट रखा। क्योंकि फ्रूट चाट का भी जब आप एक चम्मच भर के लें तो उसमें कई तरह के आपको फ्लेवर्स मिलते हैं, आई थिंक ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अच्छा, मैंने तो चूँकि ये मूवी देखी है, कई लोगों ने नहीं देखी, तो उनके लिए तजस्सुस भरा सवाल ये है कि क्या आपके हीरो की माँ ने फ्रूट चाट खाई आपके हाथ की या खाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये आपको हो सकता है जल्द ही पता चल जाए क्योंकि हम लोग जल्द ही एक वेब सीरीज लॉन्च करने जा अच्छा, रहे हैं। गुड, तो इंशाल्लाह हो सकता है इस सवाल का जवाब आपको मिले या हो सकता है कि शबाना का टेस्ट बदल गया हो। वो इसी का सीक्वल है? नहीं, वी आर वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज एक्चुअली। अच्छा, तो वेब सीरीज में इन तमाम सवालों के जवाब हमको मिलेंगे, दोबारा से हम इन कैरेक्टर्स को देखना चाहेंगे और देखेंगे भी कि किस तरह से शबाना ने तो ग्रोथ की, इन सब कैरेक्टर्स का फिर क्या बना जो थोड़े बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी थे। सबको थी कि अवार्ड मिलेगा इसको? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको क्या बताऊं कि हम लोगों ने ये फिल्म उनको अवार्ड के लिए भेजी भी नहीं थी। अच्छा, 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी होता है और मोइज़ जो मेरे डायरेक्टर हैं उनका कहना था कि इनको आप भेजें कि एटलीस्ट ये प्ले करें, आई एम श्योर इनके पास भी कोई कंटेंट नहीं होगा डिसेबिलिटी पे, इनका गुड आइडिया। सो हम लोगों ने लिंक भेजा, हमने कहा जस्ट प्ले इट। 3 दिसंबर तक तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ अरसे बाद रिस्पॉन्स आया कि हम इसको कैटेगरी में डाल रहे हैं फॉर द नॉमिनीज। हमने कहा ओके, फिर ई मेल आई कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, हमने कहा ओके, वहाँ जाके फील हुआ कि ये हो क्या रहा है, एंड देन फाइनली वी रियलाइज दैट We are actually the winners when we saw the email and we thought कि हम लोगों ने तो इस जंग में पार्ट ही नहीं लिया था, लेकिन जिस कॉज के लिए हमने आवाज़ उठाई है, जिस तरह से आवाज़ उठाई है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन ने इसको एक बहुत जानदार चीज़ बना दी एंड वी बिकेम द विनर्स ऑफ दैट फेस्टिवल। ये कैसे हो गया कि ऐसा पॉजिटिव कॉन्टेंट जो हमारे मुल्क, हमारे माशरे, खासतौर पर वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत पॉजिटिव मैसेज है और हमसाया मुल्क उस पर अवार्ड दे रहे हैं? पता है, इससे जाहिर होता है कि दोनों तरफ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने दिमाग से चलते हैं, अपने दिल से चलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे लोग पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, और हम लोग की कोशिश ये होती है कि हम वो सोच अपनाएं कि हमारा फोकस क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, पीस पे होना चाहिए, लेकिन नफरतें, दुश्मनियाँ तो हर जगह हैं, हर घर में हैं, हम मुल्कों की क्या बात करें, हर सूबे में हैं, हर जगह पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी चीज़ पे होना चाहिए। क्योंकि मुइज़ का आपने जिक्र किया तो मुइज़ अब्बास से भी बात कर लेते हैं, उनका वर्जन लेते हैं इस बारे में, तो मुइज़ अब्बास जो कि इस शॉर्ट मूवी के डायरेक्टर हैं उनसे बात करते हैं। मुइज़, ज़रा आप बताइएगा, इतनी कम उम्र में अवार्ड हासिल करना क्या तवक्को थी और अब आगे कितना हौसला बढ़ाया आपका? दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया मेरा मौके बयान करने का, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी है। ऑब्वियसली 190 कंट्रीज़ में जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ फ्रूट चार्ट के साथ, मेरे साथ, तंजिला के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ। लेकिन दानिश भाई, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मेरे गोल्स हैं, इससे ज़्यादा मेरा टारगेट है, इससे ज़्यादा मेरा एम है। उसकी वजह यह है कि जब मैं देखता हूँ आरफा करीम की तरफ, जब मैं देखता हूँ मौलाना यूसुफ जई की तरफ, तो मुझे लगता है कि मैंने तो अभी तक पाकिस्तान के लिए कुछ अचीव ही नहीं किया और मेरी अचीवमेंट तो बहुत छोटी सी है। ये बात बताने का मकसद ये भी है ताकि जो लोग देख रहे हो उनके लिए थोड़ी मोटिवेशन हो और उनको ये पता चले कि आपके गोल्स, आपके टारगेट, आपके एम बहुत ज़्यादा आगे तक के लिए होने चाहिए, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके उस जगह पे पहुंच जाते हो। लेकिन हमेशा गोल आगे तक का होना चाहिए। तो मेरा टारगेट, मेरे गोल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे तक के हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमने ये अवार्ड जीता। 190 कंट्रीज़ में हमने ये अवार्ड जीता और हमने जो है वो पाकिस्तान को, एक पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड पूरी दुनिया को दिखाई, 190 कंट्रीज़ को दिखाई, अपने नेबर्स को दिखाई और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पूरी टीम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया मुइज़ अब्बास, हमारे साथ थे, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं और राइटर प्रोड्यूसर तो हमारे साथ ही खैर विराजमान है। तो तंजीला, ये बताइए कि चूंकि डिसेबिलिटी का एक सब्जेक्ट था, खैर मैं डिसेबिलिटी नहीं मानता क्योंकि जैसे पहले कन्वर्सेशन में मैंने आपको कहा कि डिसेबल तो वो होता है जो हु इज अनेबल टू डू समथिंग, जो काम कर रहा है वो तो डिसेबल नहीं है। अगर एक सही सलामत भी बंदा वैसे ही बैठा हुआ तो वो भी डिसेबल है मेरी नज़र में। तो इस मैसेज को लेकर के एक डिसेबल खातून या एक वो जो चल नहीं सकती, वो फ्रूट का एक बिजनेस कर रही है, एक एंटरप्रेन्योर है, ये मैसेज कहाँ से आया? ये कई बायोपिक है आपकी, ये भी क्लियर कीजिएगा, या अगर किसी और की स्टोरी है तो वो ज़रा हमें बताइएगा। बिल्कुल दानिश, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि डिसेबल इंसान वही है जो कुछ कर नहीं रहा या उसको करने दे नहीं रहे, ठीक है, वन थिंग। दूसरी बात, ये मेरी बायोपिक बिल्कुल भी नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है उन तमाम कहानियों की जो कोई भी माजूल इंसान एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे वो डिसेबल हो। और चूँकि खवातीन के साथ मेरा ज़्यादा ताल्लुक रहा है, मैं ख़ुद भी खातून हूँ, तो वो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें जेंडर का एक रोल बहुत उभर के सामने आता है। फॉर फ्रूट चार्ट हम लोगों ने सोचा कि हम डिसेबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन दिखाएं कि ये मसले सबको आते हैं, नाप तोल के ऑलमोस्ट यही चीज़ें मसले हैं जो सबको आते हैं। जो कैरेक्टर है शबाना का, उसको रिडंडेंट नहीं दिखाया, उसको दिखाया है कि वो हर शोबे में, हर एरिया में कोई ना कोई मेहनत करना चाह रही है, लेकिन उसको आगे से जो रिस्पांस मिल रहा है, जो शायद बाकी लोगों के लिए बड़ी आम बात होगी लेकिन एक माजूर इंसान के लिए बहुत बड़े बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो दोस्त नहीं बना पाता यूनिवर्सिटी में क्योंकि उसको समझ नहीं आती कि अगला बंदा क्या सोचेगा, कि मुझसे इसलिए दोस्ती कर रहे हैं ताकि मुझे व्हीलचेयर उठा के इधर उधर रखें या मुझे हेल्प करें, या ज़ाती तौर पे मेरी पर्सनालिटी से इंस्पायर होकर मुझसे दोस्ती करना चाह रहे हैं। सेम थिंग, जब उसको कोई नौकरी मिलती है वो आज तक डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि उसको इसलिए मिली क्योंकि वो वाकई में मेरिट पे था, या उसको इसलिए मिली क्योंकि उसका एक पोस्टर बना के उस कंपनी ने और फंडिंग लेनी है, या उसको एज ए टोकन इस्तेमाल करना है। एंड इट गोज़ ऑन, इवन जब उसकी शादी होती है तो वो यही सोचेगा या सोचेगी उस पर तरस खाया गया या वाकई में मुझ में कोई बात है। ये जो एक सवाल होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता। और असल में माजूरी के मसले ये नहीं है, वो सवाल है, वो एक इंटरनल दीमक है जो आपको खाई जाती है। लेकिन इसका हल है, इसका हल ये है कि हमने इस पर बात करनी है, जैसे अभी आप मुझसे कर रहे हैं, हमने इस पर और बात करनी है, इसको बाहर निकालें इन सब्जेक्ट्स को। और ये डिस्क्रिमिनेशन आई थिंक हर मिनोरिटी एक्सपीरियंस करती है, जो कोई ना कोई किसी एडवर्सिटी से गुजरी हो, कोई इंसान बिल्कुल चलता फिरता है, उसके साथ कोई हादसा हो गया है, वो डिप्रेशन में है, बट वो सोचता है कि क्या वाकई मैं अच्छा हूँ या मुझे सिंपैथी दी जा रही है। तो आई थिंक शबाना ने एक इस एरिया को टच किया और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिसेबिलिटी के दिखाएंगे मुआशरे को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को एक तो ये फिल्म भी पसंद आएगी, जिन्होंने नहीं देखी है, जिन्होंने देखी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने पसंद किया, आप ऑल द वे आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मुइज़ का इंटरव्यू लेने के लिए। और जो हम वेब सीरीज़ बना रहे हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी और दिखाएगी कि पाकिस्तान में बहुत जाने माने एक्टर्स भी रहते हैं, राइटर्स भी रहते हैं और प्रोड्यूसर्स भी रहते हैं। अच्छा, सीरीज पे काम शुरू हो चुका है? यस, करेंटली मैं और मुइज़ उसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। मेरा तो क्रिएटिव एंगल है बट मुइज़ मुझे गाइड करते हैं कि क्या क्या इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, बिकॉज फॉर मी आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग। अच्छा, शॉर्ट फिल्म से कितनी पज़ीराई मेरी, खासतौर पर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर?
पाकिस्तान में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी देखी, जिनके भी मोबाइल फोन्स या टैबलेट्स तक पहुँची, उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पे मैसेज करके बोला ज़रूर कि उनको बहुत पसंद आई है और एक बहुत ही फ्रेश एंगल है डिसेबिलिटी के ऊपर, एक लाइट कॉमिक ह्यूमरस एंगल है, उनको बहुत पसंद आई। और बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हमें सपोर्ट किया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने आगे आके हमें सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया हमारे बारे में। यहाँ तक कि इंडिया की एक एक्ट्रेस हैं ज़रीन खान बॉलीवुड की, उन्होंने हमारे बारे में इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और फिर डीएम भी किया और हम फॉलो करते हैं दूसरे को अब तो। माशा से ये कॉन्टेंट ही है जो लोगों को करीब ला रहा है, करीब ला रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी से मेरी हौसला अफजाई हुई है। इस वीडियो देखने के बाद भी नीचे काफ़ी उर्दू पॉइंट पे कमेंट्स भी आएंगे और लोग डेफिनेटली ये देखना भी चाहेंगे, बल्कि आप लोग भी हमें बताएगा नीचे कमेंट करके कि अगर आपने देखी है नहीं। लास्ट में मुझे तंजीला सिर्फ एक ये बता दीजिए कि इतना सीरियस टॉपिक और उसको मजाही अंदाज में पेश करना, ये सोच कहाँ से आई या इसको ढालना कितना मुश्किल था? नाने सब यकीन जाने, इसमें अगर हंसी मजाक ना होना तो और कुछ भी ना हो। आई मीन एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो लाइफ होती है ना, वो कदम कदम पे मजाही ही होती है, क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता ना वही होता है उसके साथ, और जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो तो कभी भी नहीं होता। तो मेरे साथ जो हालात रहे हैं, अगर मैं उनको कंपाइल करूं तो एक फिल्म काफ़ी नहीं होगी, एक किताब भी काफ़ी नहीं होगी, कि तरह तरह के लोग जिनसे मैं एक्सपेक्ट करी थी कि ये आके कुछ ऐसा बोलेंगे कि मेरा दिल दुख जाएगा, उन्होंने आके मेरा दिल खुश कर दिया। एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग जिनको मैं बड़ा पढ़ा लिखा समझती थी और समझती थी कि अच्छा ये थोड़ा सा हट के बात करेंगे, वो भी कुछ ऐसी बात कर देते थे कि मैं हैरान रह जाती थी। तो आई थिंक कदम कदम पर मैंने ज़िंदगी को बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिए, क्योंकि ज़िंदगी में मजाक है ही बहुत ज़्यादा। आई थिंक ज़िंदगी आपके साथ तरह तरह के मजाक करती रहती है, तो दुखी होकर गुजारने की ऑप्शन मुझे बड़े घाटे का सौदा लगता है। सही, बहुत शुक्रिया तंजीला खान, और हमारी दुआएं हैं आपकी नेक्स्ट वेब सीरीज़ के लिए। बड़े बेताब भी हैं हम लोग कि एक अच्छी वेब सीरीज़ पाकिस्तान लेवल पे अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।